ओके दोस्तों, तो इंडिया यहां पर अपने वर्ल्ड कप का सेकेंड T20 इंटरनेशनल मैच खेलने जा रही है और वो खेलेगी मैच नीदरलैंड के साथ। और दोस्तों ये मैच आप लोगों का होने वाला है सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पे। अगर ग्राउंड के स्टैट्स के बारे में आप लोग मुझसे पूछोगे ना, तो इस ग्राउंड का जो एवरेज स्कोर है वो है 170+ रन। तो इसका मतलब क्या है, अगर टीम इंडिया यहां पर फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग करते हुए दिखेगी तो अच्छे खासे रन बनेंगे। बट नीदरलैंड की टीम यहां पर बैटिंग करते हुए दिखे फर्स्ट इनिंग्स पे, तो रन शायद इतने बड़े नहीं बनेंगे और 130-120 के आसपास ही रन बनेंगे। इंपॉर्टेंट नीदरलैंड के प्लेयर, अगर बात करूं मैक्स ओडाउट की, बेस्डी लेडी की, कॉलन एकरमैन की, अगर ये अच्छे फॉर्म पर रहे तो यहां पर आप लोगों को 140 रन के आसपास बनता हुआ देख सकता है। चलिए दोस्तों, अब सेक्शन वाइज एनालिसिस करते हैं, लेकिन आप सभी लोगों के लिए ना इस वीडियो पे बहुत स्पेशल कैश अवार्ड है। एक अवार्ड है आप लोगों के लिए 10,000 रुपीज का, दूसरा अवार्ड है आप लोगों के लिए 50,000 रुपीज का। इसीलिए वीडियो को पूरा देखना, कहीं भी स्किप मत करना। मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछूंगा और आप लोगों को बताऊंगा कैसे आप लोग 50,000 रुपए फ्री में जीत सकते हो। चलिए विकेट कीपिंग वाले सेक्शन की अगर मैं बात करूं, तो यहां पर आप लोगों को इस मैच में भी दिनेश कार्तिक ही खेलते दिखेंगे इंडियन टीम से, और नीदरलैंड की टीम से आप लोगों को स्कॉट एडवर्ड खेलते हुए दिखेंगे। दिनेश कार्तिक की अगर मैं बात करूं तो फोर डाउन पोजीशन पे खेलने आते हैं, ठीक है, ओके। 57 मैच में 28 का एवरेज है, बट दोस्तों एक खास बात है, दिनेश कार्तिक की बैटिंग आएगी कि नहीं आएगी इसके बारे में बहुत डाउट है, क्योंकि इंडियन टॉप ऑर्डर बहुत अच्छे फॉर्म पर है और नीदरलैंड की बॉलिंग लाइनअप उतनी शार्प नहीं है। तो इसीलिए मैं दिनेश कार्तिक को ड्रॉप करके रखूंगा और मैं नीदरलैंड के जो कैप्टन है स्कॉट एडवर्ड, जो कि विकेट कीपिंग भी करते हैं, उन्हें अपने टीम पर लेकर चलूंगा, क्योंकि 47 मैच में 22 का एवरेज उनका भी है। क्लियर? तो एक विकेट कीपिंग वाले सेक्शन का जो प्लेयर हो गया वो हो गया मेरे लिए स्कॉट एडवर्ड, कैप्टन और वाइस कैप्टन विकेट कीपिंग वाले सेक्शन से कोई प्लेयर नहीं बनेगा। अब आ जाओ दोस्तों बैटिंग वाले सेक्शन पे। बैटिंग वाले सेक्शन को डिस्कस करने से पहले आज के गिव अवे का क्वेश्चन भी सुन लो, और साथ ही साथ आप लोग कैसे 50,000 रुपए जीत सकते हो उस बात को भी सुन लो। दोस्तों अगर आज के दिन पे आप लोग नीचे दिए गए लिंक के थ्रू माई 11 सर्कल ऐप को डाउनलोड करते हो ना, तो आप लोगों को एक कॉन्टेस्ट दिखेगा, और इस कॉन्टेस्ट पे अगर आप लोग रैंक 1 आते हो ना, तो आप लोगों को 50,000 रुपए मिलेंगे फ्री पे। मतलब इस कॉन्टेस्ट को ज्वाइन करने के लिए कोई फीस नहीं देना है, बस आज के दिन पे आप लोगों ने नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन से इस ऐप को डाउनलोड किया हुआ होना चाहिए। रैंक 1 आओगे इस लीग पे 50,000 रुपए मिलेंगे, और जो एंट्री फीस है इस लीग की वो है 0 रुपीज। तो मैं चाहता हूं कि मेरे ही सब्सक्राइबर भाई इस लीग को जीत कर आए, तो पक्का से नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन से ऐप को डाउनलोड कर लेना। सेकंड इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, यहां पर अगर आप लोग मेगा ग्रैंड लीग खेलते हो तो 7.5 लाख रुपए का कैश अवार्ड के साथ साथ मौका मिलेगा महिंद्रा थार जीतने का, और कॉम्पिटिशन कहां है, सिर्फ 5 लाख लोगों के बीच में है। और एक और इंपॉर्टेंट बात, नीचे दिए गए लिंक के थ्रू ऐप को डाउनलोड करोगे तो 1500 रुपए का इंस्टेंट बोनस तो मिलेगा ही मिलेगा, फर्स्ट टाइम डिपॉजिट पे 20% एक्स्ट्रा रियल कैश मिलेगा। कोड है क्रिक20, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन पे लिखा हुआ है, पक्का से कोड को यूज कर लेना। 10,000 डालोगे वॉलेट में सीधा 12,000 हो जाते हैं, तो मिस मत करना। सभी लोग नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन से 100% ऐप को डाउनलोड कर लेना। चलिए अब चलते हैं बैटिंग वाले सेक्शन पे। बैटिंग वाले सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो इंडियन टीम पे आप लोगों को रोहित शर्मा, केएल राहुल, विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव दिखेंगे। वहीं बात करूं आप लोगों से नीदरलैंड की टीम की, तो यहां पर आप लोगों को मैक्स ओडाउट, विक्रमजीत सिंह और टॉम कूपर दिखेंगे। रीसेंट फॉर्म विक्रमजीत सिंह का हो गया और टॉम कूपर का हो गया बहुत खराब चल रहा है, तो आप लोग इन दोनों को ड्रॉप करके चलोगे। अच्छा, मैक्स ओडाउट का अगर सिलेक्शन परसेंटेज देखोगे तो काफी हाई है, प्लेयर अच्छा है मैक्स ओडाउट, ऐसी बात नहीं है। 54 मैच में 30 का एवरेज है, बेस्ट स्कोर 133 का है, 50 10 बार बना चुका है और 100 भी एक बार बना चुका है, मतलब ऑन एन एवरेज अच्छा खेल लेता है। अगर टिक गया तो अच्छी पारी आप लोगों को खेलता हुआ दिखेगा। स्मॉल लीग के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट प्लेयर बनता है, क्योंकि मुझे 4 प्लेयर तो रखने ही है दोस्तों, तो एक प्लेयर मैक्स ओडाउट को ट्राई किया जा सकता है स्मॉल लीग पे। इंडियन टीम की अगर मैं बात करूं तो इंडियन टीम अगर यहां पर फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग करने आती है तो उस केस पे आप लोग सूर्य कुमार यादव तक जाओगे। क्लियर? मतलब आप लोग विराट कोहली, केएल राहुल, रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव सबको पिक करके चलोगे अपने टीम में। इंडियन टीम
चेस करने आती है तो मेरे हिसाब से चेस ये ऊपर के टॉप थ्री प्लेयर ही कर देंगे इस मैच में, क्लियर। होपफुली जो ज्यादातर लोग करेंगे, ज्यादातर लोग रोहित शर्मा को ड्रॉप करेंगे और केएल राहुल, विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव को लेकर चलेंगे। बट दोस्तों देखो, नीदरलैंड की बॉलिंग लाइनअप उतनी शार्प नहीं है, तो यहां पर आप लोगों को रोहित शर्मा भी अच्छा करता हुआ दिख सकता है जो अभी के टाइम पे आउट ऑफ फॉर्म चल रहा है, इस बात को ध्यान रखना। तो रोहित शर्मा को ड्रॉप करने से पहले ना ये बात पक्का से कंसीडर कर लेना, अगर जम गया ना तो बहुत मारेगा, क्लियर। कैप्टन और वाइस कैप्टन के कंटेंडर, देखो इंडियन टीम अगर फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग करने आएगी तो ऑब्वियसली बात है कि स्कोर यहां पर 180 प्लस का स्कोर बनेगा। इसका मतलब कोई ना कोई बैट्समैन पक्का से निकलेगा जो यहां पर 70 प्लस रन करेगा, तो उस केस में मुझे बैटिंग वाले सेक्शन से क्या करना है, कैप्टन लेकर चलना है। अगर इंडियन टीम चेस करने आएगी तो ऑब्वियसली बात है नीदरलैंड ने अगर 120 रन बनाया होगा तो बैट्समैन ज्यादा से ज्यादा यहां पर 50-60 रन ही बना पाएगा। इसका मतलब उस केस में मैंने क्या करना है, मैंने बॉलिंग वाले सेक्शन से कैप्टन को रखना है और बैटिंग वाले सेक्शन से किसे रखना है, वाइस कैप्टन को रखना है, ध्यान रखना इस बात को, क्लियर। अब आ जाओ दोस्तों ऑलराउंडर वाले सेक्शन पे। अच्छा, ऑलराउंडर वाले सेक्शन से पहले आज के गिव अवे का क्वेश्चन भी सुन लो। आज के गिव अवे का क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोगों ने मुझे बताना है कि इस मैच का कैप्टन कौन होगा और उसके कितने पॉइंट्स होंगे, सिंपल, ठीक है। एक ही क्वेश्चन है, सही जवाब दोगे 10,000 रुपए तक का कैश अवार्ड आप लोग विन कर सकते हो। अच्छा, ऑलराउंडर वाले सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो यहां पर इंडियन टीम पे आप लोगों को हार्दिक पांडे और अक्षर पटेल दिखेंगे, वहीं नीदरलैंड के टीम पे आप लोगों को बेस्डेल लीडी, कॉलन एकरमैन और लॉगन मैन भी दिखते हैं खेलते हुए। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात है जो मैंने पढ़ा था न्यूज पे, आप लोगों को पता होना चाहिए कि हार्दिक पांडे को हल्की सी इंजरी आई थी लास्ट मैच पे, तो यहां पर यह चीज पक्का हो सकता है कि टीम हार्दिक पांडे से ज्यादा बॉलिंग ना कराए और जो ओवर है वो अक्षर पटेल और रविचंद्र अश्विन से कराए, ये हो सकता है, ठीक है। इस बात को टीम बनाते वक्त कहीं ना कहीं ध्यान पे रखना, क्लियर। हाँ, हार्दिक पांडे अपने पूरे चार ओवर करेगा तो पक्का से 2 विकेट निकाल के ले जाएगा, क्लियर। तो स्मॉल लीग पे तो आप लोग ड्रॉप नहीं कर सकते, मेगा ग्रैंड लीग के लिए एक थॉट मैंने आप लोगों के लिए रखा है, हार्दिक पांडे मस्ट पिक प्लेयर है, आप लोगों ने अपने टीम पर रखकर चलना है। अक्षय पटेल का फॉर्म उतना खास नहीं चल रहा है, क्योंकि अगर हार्दिक पांडे अपने 4 ओवर पूरे करता है ना तो अक्षय पटेल और रविचंद्र अश्विन ये दोनों मिलकर 4 ओवर करेंगे, क्लियर। बट मुझे आज ऐसा लगता है कि टीम इन्हें ज्यादा अपॉर्चुनिटी देगी, इसलिए मेगा ग्रैंड लीग की जो मैंने वीडियो बनाई है ना उसमें मैंने इन्हीं लो सिलेक्शन परसेंटेज प्लेयर के साथ रिस्क लिया है। वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पे जाके उस वीडियो को भी देख लेना कि मेगा ग्रैंड लीग के लिए कैसे टीम बनाना है। ओके, नीदरलैंड की टीम्स की मैं बात करूं तो यहां पर आप लोगों को बेस्डेल लीडी दिखेंगे, ये इंपॉर्टेंट प्लेयर है दोस्तों, आप लोगों ने अपने टीम पर लेकर ही चलना है। डेथ पे बॉलिंग भी करते हैं, पूरे 4 ओवर भी करेंगे, बैटिंग भी अच्छा करते हैं, 27 मैच 23 विकेट 31 का एवरेज, इंडियन टीम के जैसे हार्दिक पांड्या है ना वहां के बेस्डेल लीडी, मस्ट पिक प्लेयर है, लेकर चलना। कॉलिन एकरमैन की अगर मैं बात करूं तो कॉलिन एकरमैन आप लोगों को यहां पर बॉलिंग कम करते हैं, बैटिंग ठीक ठाक कर लेते हैं, 18 मैच में 25 का इनका एवरेज है, 7 विकेट है, 50 एक बार बना चुके हैं। वहीं लॉगन मैन बीक की अगर मैं बात करूं तो ये विकेट टेकर बॉलर है, विकेट अच्छी निकाल लेते हैं बट बैटिंग पे कुछ खास नहीं करते, 19 मैच में 7 का एवरेज है बट विकेट 19 है। अब आप लोगों ने इन दोनों में से एक को चूज करना है। इंडियन टीम फर्स्ट इनिंग्स पे अगर बैटिंग करने आती है तो आप लोग यहां पर लॉगन मैन बीक को ट्राई कर सकते हो, क्यों, क्योंकि यहां पर अगर टीम इंडिया मारने जाएगी तो इन्हें विकेट्स मिल सकते हैं और कुछ रन भी ये बना सकते हैं, क्लियर। फर्स्ट इनिंग्स पे अगर इंडियन टीम बैटिंग करने आएगी तो लॉगन मैन बीक को आप लोग ट्राई करना, वरना आप लोग कॉलिन एकरमैन के साथ जा सकते हैं, क्लियर। ओके, कैप्टन और वाइस कैप्टन के कंटेंडर, देखो बेस्डेल लीडी एक वीसी का कंटेंडर बनता है, ठीक है, डार्क हॉर्स है ये टीम का, नीदरलैंड की टीम। ओके, अब आ जाओ बॉलिंग वाले सेक्शन पे। बॉलिंग वाले सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो इंडियन टीम पे आप लोगों को मोहम्मद शमी, अर्शदीप सिंह, भुवनेश्वर कुमार और रविचंद्र अश्विन दिखते हैं। वहीं आप लोगों को नीदरलैंड की टीम पे टिम प्रिंजल, फ्रेड क्लासेन, पॉल वैन मेकरन और शरीज अहमद दिखेंगे। अगर आप लोगों के, अब देखो यहां पर कैसे आप लोगों ने प्लेयर को सिलेक्ट करना है, यहां देखो ध्यान से देखना। अच्छा, वेंडर मर्वे इंजर्ड थे, अगर वेंडर मर्वे आ जाते हैं ना तो शरीज अहमद यहां से आउट होते हुए दिखेंगे, इस बात को भी ध्यान रखना, इंजरी आप सभी लोगों को पता होनी चाहिए। यहां पर देखो, यहां से आप लोगों ने मोहम्मद शमी को लेना है, अर्शदीप सिंह को लेना है, भुवनेश्वर कुमार को लेना है, ठीक है। भुवनेश्वर कुमार की बॉल स्टार्टिंग में अच्छी स्विंग होगी,
तो जैसे विक्रमजीत सिंह हो गए, मैक्सो डाउट हो गए, ये इन्हें परेशान कर सकता है भुवनेश्वर कुमार। क्लियर? पाकिस्तान के अगेंस्ट भी देखा था, बैट्समैन तो मतलब बॉल तो टच ही नहीं कर पा रहा था, इतनी मतलब स्विंग मिल रही थी अच्छी खासी। ओके, वहीं अगर नीदरलैंड के किसी बॉलर को रखना है आप लोगों ने, तो देखो पॉल वैन मेकरन अभी के टाइम पे अच्छे फॉर्म पर है। यहां देखो 2 विकेट, यहां 2 विकेट, फिर यहां 1 विकेट, 54 मैच पे 58 विकेट है इसके पास, पॉल वैन मेकरन के पास। ठीक है, फ्रेड क्लासेन आप लोगों के लिए दूसरे ऑप्शन हो सकते हैं, क्योंकि अगर इंडियन टीम फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग करने आए ना, तो उस केस पे फ्रेड क्लासेन को ट्राई किया जा सकता है, क्योंकि वो डेथ पे बॉलिंग करेगा, इस बात को ध्यान रखना। क्लियर? वरना आप लोग पॉल वैन मेकरन को लेकर चलोगे। तो 4 प्लेयर आप लोगों के कौन से हो गए नीदरलैंड के, स्कॉट एडवर्ड हो गए, मैक्स ऑफ डाउट हो गए, बेस डिलीडी हो गए, कॉलन एकरमैन हो गए, और आप लोगों के लिए पॉल वैन मेकरन हो गए, 5 प्लेयर हो गए। अब इन 5 प्लेयर में से 4 प्लेयर आप लोग चूज कर लेना अभी के टाइम पे। अच्छा, इंडियन टीम फर्स्ट इनिंग्स में बॉलिंग करने आती है, तो मैंने बोला था बॉलर वाले सेक्शन से कैप्टन वाइस कैप्टन का कंटेंडर होगा, सीबीसी का कंटेंडर। दोस्तों आज के इस मैच के लिए एक तो अर्षदीप सिंह हो सकता है, इस बात को ध्यान रखना, डेथ के ओवर डालता है और अभी अच्छे फॉर्म पर है, देखो 3 विकेट 2 विकेट 3 विकेट। ठीक है, अर्षदीप सिंह को कैप्टन ट्राई किया जा सकता है अभी के टाइम पे। जो स्मॉल लीग की मेरी टीम है उसे देख लो एक बार, यहां पर मेरे पास स्कॉट एडवर्ड है, यहां पर मेरे पास मैक्स ओडाउड है, यहां पर बेस डीलिडी है, और यहां पर पॉल वैन मेकरन है। क्या चेंजेस किए जा सकते हैं? देखो यहां से अगर आप लोग चाहो तो मैक्स ओडाउड को अगर आप लोग हटाओगे, तो यहां से आप लोग मैक्स ओडाउड के बदले यहां पर किसे लेकर आ सकते हो, यहां पर आप लोग लेकर आ सकते हो मैक्स ओडाउड के बदले कॉलिन एकरमैन को। ठीक है, अच्छा यहां पर देखो, यहां से अगर रोहित शर्मा को ड्रॉप करोगे तो यहां पर कौन आ जाएगा आपके पास, आपके पास आ जाएगा सूर्य कुमार यादव, ध्यान रखना। इंडियन टीम फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग कर रहे हैं, तो मैंने बताया केएल राहुल एक अच्छा कैप्टन बन सकता है, और वाइस कैप्टन अर्षदीप सिंह बन सकता है। बट हां, गेम चेंजर कैप्टन आप लोगों के लिए बेस डीलिडी भी बन सकता है, इस बात को ध्यान रखना, कैप्टन नहीं वाइस कैप्टन। क्लियर? या तो आप लोग मैक्स ओडाउट को भी रखोगे, और अगर आप लोगों को लगता है कि यार ज्यादा विकेट से नहीं जाएंगे, तो यहां से आप लोग पॉल वैन मेकरन को भी ड्रॉप करो, यहां पर बेस डीलिडी को रखो, या यहां पर आप लोग कॉलिन एकरमैन को ट्राई करना। ठीक है, क्लियर? तो इस हिसाब से आप लोग अपनी टीम को चेंजेस कर सकते हो, वो आप लोगों ने डिसाइड करना है। जो भी मेरी फाइनल अपडेट होगी वो मैं आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। तो टेलीग्राम ग्रुप जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में अवेलेबल है ना, सभी लोग पक्का से ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि इस मैच पे आप लोग फ्री में 50,000 रुपीज विन कर सकते हो, फ्री में, नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन से आपको पक्का से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो यही था आज के इस वीडियो में, होपफुली आप सभी लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पक्का से दबा दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी लत लग सकती है, कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर